विंटर के एक खास सुंदर फ्लावरिंग प्लांट पिटोनिया की केयर और प्रोपोगेशन के बारे में। ये देखिए ये पिटोनिया, ये पिटोनिया कई कलर्स में आता है। एक वो भी होता है जिसके किनारे पे वाइट धारियाँ होती हैं, वो मेरे पास इस समय नहीं अवेलेबल है। ये सिंगल पेटल और मल्टी पेटल में आता है। पहले हम बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। यदि इसकी केयर की जाए तो ये हमें अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है। एक तो ये आप ध्यान रखें, जैसे जो कोई फ्लावर इस पर खिल जाते हैं ना, जैसे ये, तो आप उसको फिर रिमूव कर दीजिएगा। ये जैसे सूखी लीव्स हैं या जैसे जो फूल ड्राई हो गया उसे हटा दीजिए, इससे आपका प्लांट हेल्दी रहता है। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी और फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसे जब आप नर्सरी से ला के लगाएं तो इसमें गाय के गोबर की खाद डाल दें बस। फिर इसके अलावा इसको कोई खास फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती। इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट खराब हो जाता है। जब भी इसकी मिट्टी ड्राई हो तभी आप इसे पानी दीजिए। और एक पानी देते समय हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि इसके फ्लावर्स पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएंगे, और ना ही इसकी लीव्स पर पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे फंगस का डर रहता है जिससे आपका प्लांट खराब हो सकता है। आप पानी हमेशा इस तरह से दीजिए, जैसे एक साइड से इसको ऐसे ऐसे उठा के आप साइड से इस तरह से पानी दें, ताकि इसकी लीव्स पर और इसके फ्लावर्स पर पानी बिल्कुल नहीं जाए। जब भी आप पानी इसको दें इस चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब होता है। इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर लगते हैं। इसको सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप लगा सकते हैं, और यदि इसके अच्छे से केयर की जाए तो ये मार्च के अप्रैल तक आपको अच्छे से फ्लावरिंग देगा। इसको एक तो सीड से ग्रो कर सकते हैं, जो कि बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, नर्सरी से उसके सीड्स मिल जाते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है इसको इसकी कटिंग द्वारा हम इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए जैसे इस प्लांट में ये जो इसके बड़े ये लगे सा हो गया है, तो इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये नीचे से इसकी ऐसे ये ब्रांच हमने ले ली, और ये देखिए इस तरह से जब हम इसको ग्रो करेंगे तो ये नीचे ये जो है नीचे की लीव्स इसे रिमूव कर देंगे। ये इस तरह से, और जब भी आप कटिंग लगाएं इसको एक थोड़ा सा ऐसे इस तरह से कट करें, ये इस तरह से। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, ये यदि इस पर कोई फ्लावर है या कोई बर्ड आ रही है तो आप उसको जैसे ये है इसको रिमूव कर दीजिए। इससे प्लांट को बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है अपनी रूट्स ग्रो करने में, और वो इजीली नहीं लग पाता है। फिर इस ये है रूट हार्मोन। जब भी आप कटिंग लगाएं तो उस कटिंग के नीचे इस तरह से आप रूट हार्मोन लगा लीजिए, ये इस तरह से देखिए। और आप ऐसे होल करके किसी भी हम ऐसे किसी गमले में आप चाहे फिंगर या किसी की हेल्प से ऐसे थोड़ा सा होल करके इसको ऐसे लगा दीजिए। इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो एक तो आपका वो प्लांट भी जैसे आपने कटिंग करा है तो उसमें एक की जगह दो ब्रांच आ जाएंगे, जिससे वो बुशी हो जाएगा और एक आपका नया प्लांट इस तरह से तैयार हो जाएगा। यदि इसकी मिट्टी गीली है तो आपको पानी की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, लेकिन यदि आपकी गमले की मिट्टी ड्राई है तो इसमें आप थोड़ा पानी दे सकते हैं। रूट हार्मोन की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये फंजीसाइड का भी काम करता है। इससे क्या होता है, जो हमारी कटिंग होती है वो गलती नहीं है और इजीली ग्रो हो जाती है। यदि आपके पास रूट हार्मोन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप उसको ऐसे भी लगा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ।